झांसी जिले में लगातार अवैध खनन कर रहे माफिया किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन की कार्यवाही का इन्हें कोई खौफ नहीं। प्रतिदिन यहां से दर्जनों ट्रक और ट्रैक्टर बालू से लदे दिखाई देते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर जब भी पुलिस कार्यवाही के लिए पहुंचती है लेकिन पुलिस को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील से सटे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के छेल्ले घाट, झलऊ घाट, नोचोकी जैसे घाटों पर लगातार बालू माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। यह पूरी तरह से अवैध है क्योंकि प्रदेश सरकार ने इन घाटों पर बालू के ठेके ही नहीं किए हैं। दिन रात बालू माफियाओं द्वारा इन घाटों से बालू का खनन किया जा रहा है तथा 2400 घंटे ट्रैक्टर बालू भरकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार मऊरानीपुर प्रशासन से इनकी शिकायत की, प्रशासन ने कार्यवाही भी की लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। सरकार को इस अवैध खनन से करोड़ों के राजस्व की क्षति हो रही है, साथ ही ओवरलोड बालू से भरे वाहनों से सड़कों की हालत भी खस्ता होती जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर जब रविवार को मऊरानीपुर SDM बान्या सिंह ने CO संग्राम सिंह, कोतवाली प्रभारी KK पांडे और पुलिस बल के साथ छापेमार कार्रवाई की, लेकिन जब यह लोग उस स्थान पर पहुंचे तब तक बालू माफिया वहां से रफू चक्कर हो चुके थे और प्रशासनिक अधिकारियों को पुलिस के साथ खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दरअसल पुलिस से ज़्यादा मजबूत सूत्र माफियाओं के हैं जिन्हें पुलिस के आने से पहले ही सूचना मिल जाती है और जब तक पुलिस वहां पहुंचती है माफिया अपना स्थान बदल लेते हैं। दरअसल नदियों से सटा मध्य प्रदेश वाला हिस्सा उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है जहाँ UP पुलिस नहीं पहुँच पाती। लगभग 4 महीने से बराबर खनन चल रहा है, पुलिस नहीं आती है। पुलिस हर समय जब फोन लगाया तब भी आती है लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग गली गली में अपने आदमी बैठाने हुए हैं पहाड़िया पर। जैसे ही थाने से पुलिस निकलती तो वो लोकेशन दे देते तो ये भाग जाते, क्योंकि थोड़ा सा क्षेत्र है। इसके बाद MP लगा है तो MP में छिप जाते। MP वाले भी खनन करते हैं? MP वाले भी कर रहे हैं और अपने यहाँ के ग्राम पंचायत नवादा के भी कुछ लोग खनन कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? दबंग लोग हैं, पूर्व प्रधान हैं, हिस्ट्री शीटर भी हैं और इनका नाम राम सिंह सोलंकी है। अच्छा, वो भी खनन करवा रहे हैं? उनकी तो हमने पिछली बार एक बार शिकायत की थी तो मऊरानीपुर थाना पुलिस ने हमारा सपोर्ट किया था, जिसमें मशीन भी जब्त की गई थी, लेकिन मशीन जब्त होने के बाद ऑपरेटर के अलावा अन्य किसी खनन माफिया पर। न्यूज़ BK के लिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।